बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सना स्कूल डिलाइट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, एवन होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी। जैसे कि मैं आपके साथ बहुत अभी सिंपल सिंपल रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो उन्हीं में से एक ये है जो वेजिटेरियंस के लिए बहुत स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। वेजिटेबल्स में मैंने ली है सबसे पहले गोभी, एक छोटा फूल। उसके साथ मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, आलू और मटर। इसके साथ आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जैसे आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं फर्दर, और भी अगर आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो स्पाइसेस में मुझे चाहिए नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च हस्बे जायका, ये साबुत सुर्ख मिर्च मैंने ली है, और हल्दी हस्बे जायका। साथ में मुझे चाहिए दो नॉर्मल साइज की प्याज, थोड़ी सी क्वांटिटी अदरक की, एक लहसुन, दो नॉर्मल साइज की ग्रीन चिलीज, और तीन मैंने लिए हैं नॉर्मल साइज के टमाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स वेजिटेबल की मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल 3 चम्मच, और इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और अदरक। लहसुन जो है वो मुझे पेस्ट फॉर्म में चाहिए, तो उसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसको हल्का सुनहरा होने तक, लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसको वेट करेंगे, और इतनी में हम लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है जो मुझे चाहिए था, लाइट ब्राउन कलर का। अच्छा, लहसुन का जो है मैंने पेस्ट ले लिया है, इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करी है, उसको भी पेस्ट फॉर्म में ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे अब सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी और जो साबुत सूख मिर्च मैंने ली थी वो भी ऐड कर देंगे। तो इसके साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटर, थोड़ा सा पानी में इसमें और ऐड करूंगी थोड़ा सा, ताकि टमाटर जो है वो प्रॉपर पेस्ट फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्टेड फॉर्म में आ गए हैं, जैसे हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर देंगे, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, आलू और मटर। जी वेजिटेबल्स मैंने सारी ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और अब हम वेट करेंगे
वेजिटेबल्स के कुक होने का, प्रॉपर कुक हो जाए, लेकिन हमें स्टिर फ्राइड चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कंडीशन में या प्रॉपरली कुक अच्छी नहीं लगती, और उसकी सारे जो विटामिन्स वगैरह वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे इसके कुक होने का, तो मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल्स सारी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो वेजिटेबल्स पकानी भी हैं। तो क्योंकि जैसे इसमें आलू है, गोभी है, वो हमें थोड़ा सॉफ्ट कंडीशन में चाहिए, तो इसके लिए हम इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें वेजिटेबल्स जो है वो प्रॉपर कुक हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना कि उसकी सारी विटामिन्स और सारी जो हम लोगों को जो प्रोटीन्स वगैरह इससे मिलती हैं वो ख़त्म हो जाए। हमें इसकी भरपूर गिजाइत भी लेनी है, तो उसके लिए हमें वेट करना है, जस्ट नॉर्मल कुक करना है वेजिटेबल्स को। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, तो देखते हैं हमारी मिक्स वेजिटेबल्स कैसी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी मिक्स वेजिटेबल कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, सारी वेजिटेबल्स बन चुकी हैं। अब इसमें हमने जो फर्दर चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ा सा जो है वो मैं धनिया इसमें डाल दूँगी, ब्लैक पेपर मैंने ली है 1/2 टीस्पून वो ऐड करेंगे, इसके साथ मैंने ज़ीरा लिया है, साबित काली मिर्च है 3-4 और लौंग ली है वो ऐड कर दूँगी, और 1/2 टीस्पून ली है मैंने कलौंजी, उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं आपको डिश आउट करने पर, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कितनी मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल तैयार हुई है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। आखिर में रब तआला के हुज़ूर दुआ करते हुए कि अल्लाह तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमान जो गैर ममालिक में मौजूद हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक सबकी हिफाजत फरमाए, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी से सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और हमेशा अपनी पनाह के साए में रखे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे खुश रखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।